कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन इन्फिनिटी वार्ड और रेवन सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित और एक्टिविशन द्वारा प्रकाशित एक फ्री टू प्ले बैटल रॉयल गेम। गेम 10 मार्च 2020 को जारी किया गया था और यह पीसी, एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन पर उपलब्ध है। खेल काल्पनिक शहर वर्डस्क में होता है, जो रूस में वास्तविक दुनिया के स्थान पर आधारित है। वॉरजोन में दो गेम मोड है, बैटल रॉयल और प्लंडर। बैटल रॉयल में 150 तक खिलाड़ी अंतिम व्यक्ति या टीम के रूप में खड़े होने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि प्लंडर में टीमें सबसे अधिक नकदी इकट्ठा करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। वॉरजोन में क्रॉस प्लेटफॉर्म प्ले की सुविधा है, जिसका अर्थ है कि विभिन्न प्लेटफॉर्म पर खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। खेल में एक अद्वितीय गुलाग प्रणाली है, जहां मरने वाले खिलाड़ियों को आमने सामने की लड़ाई में दूसरे खिलाड़ी से लड़ने के लिए जेल जैसे अखाड़े में भेजा जाता है। विजेता को खेल को फिर से शुरू करने और फिर से जुड़ने की अनुमति है। वॉरजोन में विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, जिनका उपयोग खिलाड़ी मानचित्र को नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर, एटीवी और ट्रक शामिल है। खेल में हथियारों, उपकरणों और भत्तों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो खिलाड़ी अपने जीवित रहने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। वॉरजोन में एक मौसमी सामग्री संरचना है, जहां हर कुछ महीनों में खेल में नई सामग्री और सुविधाएं जोड़ी जाती हैं। सितंबर 2021 तक गेम के दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक पंजीकृत खिलाड़ी हैं।